धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर के तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विधिवत रूप से आरंभ हो गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर इस महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे। उनके साथ शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर, आरएसएस वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश, हरियाणा खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा, भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के आध्यात्मिक गुरु रामानुज जी एस स्वामी व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज सहित सभी सम्मानित लोगों ने ब्रह्मसरोवर पर पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत में महामहिम राज्यपाल ने कहा, गीता का संदेश किसी एक धर्म मजहब का नहीं, समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का अजर अमर संदेश दिया है, वह पूरे विश्व में माननीय वंदनीय है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता एक श्रेष्ठतम ग्रंथ है। उन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि उनके निधन से राष्ट्रीय क्षति हुई है, क्योंकि उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारे सशस्त्र बल पूरे संसार में अपना परचम लहरा रहे थे और किसी भी राष्ट्र का साहस नहीं था कि वह हमारे देश की सीमाओं पर बुरी नजर से आंख भी उठाकर देख सके। इस दौरान सभी लोगों ने हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसमें आजादी का अमृत उत्सव के बारे में बाखूबी से प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गीता पर आधारित सेमिनार में भी सभी अतिथियों ने भाग लिया। घटना हुई है वो बहुत आवेदना हुई है मुझे। मैं जब शिमला में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल था, उन्होंने आकर मुझे राजभवन में मिला था। बहुत ही स्नेहशील थे, इतने बड़े आर्मी के जनरल रहते हुए भी उनके पास जो मानवता करुणा दो दिखा, मैंने देखा, मुझे बहुत ही आनंद लगा था। और उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया था कि हम आज हमारा सशस्त्र बल जो है टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा आगे हम बढ़ चुके हैं, तो इसलिए कोई भी देश हमारे ऊपर दुस्साहस नहीं करे। ऐसा जो है हम शक्तिशाली भारत को बनाने के लिए जो उन्होंने मुझे संकल्प वहाँ पर बताया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वैसे महानुभाव रावत जी, इस ऐसी दुर्घटना होगा ऐसा कभी कोई सोचा भी नहीं। ये होना जो है हमारे लिए बहुत क्षति है, और उनकी आत्मा को शांति करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। क्या बताएंगे आज से अंतर्राष्ट्रीय आज गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में, यहीं से जो है भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। कम सेना अध्यक्ष रहे हमारे जनरल, वास्तव में समूचे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति अनुभव की जा रही है। बिपिन रावत जी प्रतिभावान थे, क्षमतावान थे, ऊर्जावान थे, और राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के गौरव स्वाभिमान के प्रति उनकी निष्ठा जो थी वो वास्तव में अद्भुत थी। और एक विशेष जो उनके अंदर काम की कुशलता है भगवद गीता के योगा कर्मसु कौशलम के अनुसार, कि वो बोलते कम थे, कभी उनका वक्तव्य उस ढंग का नहीं, लेकिन कार्य एक मजबूत नींव के रूप में वो करते थे, और उन्होंने एक मजबूत नींव बनाने का प्रयास किया। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी उनको आमंत्रित करने को लेकर चर्चा हुई, उन तक पहुंची, उन्होंने मन भी बनाया कि जब उन तक संदेश गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और भगवद गीता थीम पर है और आपका आना इस अवसर के लिए बहुत ही एक महान संदेश के रूप में होगा, तो लगभग उन्होंने मानसिकता भी बना ली थी, लेकिन विधि का विधान अटल और उसके आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है। बिपिन रावत जी के कार्यक्षमताएँ कार्यकुशलताएँ आगे के लिए एक प्रेरणा बने, एक ऊर्जा बने, और उस ऊर्जा को लेकर हमारा राष्ट्र अपने स्वाभिमान के पथ पर आगे बढ़ता रहे। डॉक्टर बिपिन रावत जी के लिए हृदय से आदरांजलि, श्रद्धांजलि, भावांजलि। महाराज जी, जब आप बिपिन रावत जी को मिले तो क्या कुछ लगा कि बिपिन रावत जी एक ऐसे व्यक्ति थे, सेना के जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी ही कम होगी। हम स्वयं वस्तुतः मिले नहीं हैं, हमने अपने के बिपिन रावत जी जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी कम, और कल देश दुनिया को छोड़कर चले गए बिपिन रावत। जनरल रावत देश के लिए
एक ऊर्जावान चरित्र था। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनके साहस का धनी था। वो एक किस्म से भारत की सुरक्षा के जागरण के और भारत की प्रैक्टिकल सुरक्षा के मापदंड बन गए थे। उनका चले जाना यह एक दुखद क्षति है, जिसकी भरपाई कैसे होगी समय बताएगा, परंतु मैं उनको शत शत नमन, परिवार और सारे लोग जो चले गए उनके साथ, अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। वह जहाँ भी रहें सदगति प्राप्त करें, ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिले और उनके जीवन को प्रेरणा रूप में कहीं ना कहीं सिने जगत ने, कवियों ने, लेखकों ने ढालना चाहिए, ताकि उनका जीवन चरित्र यह नाना रूप में देश के लिए एक बहुत बड़ी जन जागरण और विश्वास की संपदा बन जाए। सर, सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट स्ट्राइक हो, जनरल रावत का नाम उन महान शख्सियत में गिना जाएगा, क्योंकि जनरल रावत ने कभी नहीं सोचा, एक मिशन जुनून हुआ करता था जनरल रावत में। ऐसा है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिशन के रूप में जी, इवेंट के रूप में नहीं, नौकरी के रूप में नहीं, इसलिए वह मैन विद मिशन थे और मिशन उनकी प्राथमिकता थी।